गुड इवनिंग टू ऑल। बढ़िया, चलिए ठीक है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी क्लास 11th। ओके, क्लास 11th फॉर सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स, चैप्टर नेम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? आर यू नो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? चलिए कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड रियल नंबर, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स तो सबको पता होगा, रियल नंबर्स तो सबको पता है, बट व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि निगेटिव में आता है ना, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर यदि निगेटिव में आएगा, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसे डिफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। मान लीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी। हियर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो जेड को तो आप लोग सब जान ही गए हैं क्या होता है, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए। हियर जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ए इक्वल टू रियल नंबर एंड बी इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। बी इज इमेजिनरी नंबर भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं। बी इज इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? इमेजिनरी। आयोटा रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी पार्ट। सो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? मींस रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आप लोगों क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद एक टर्म और आता है आपका कॉन्जुगेट। क्या आएगा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब कॉन्जुगेट क्या होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, a प्लस आयोटा बी। यहीं से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, द रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू a माइनस आयोटा b। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का में साइन क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। यदि मान लीजिए यहां पे रियल पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट में भी निगेटिव का ही साइन लगा हुआ है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, केवल अपने को इमेजिनरी नंबर जो होगा उसके साइन को रिवर्स करना है, उसके साइन को अपोजिट कर देना है। यदि बीच में प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस का होगा तो प्लस। क्लियर, अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड, और इसी को बोलते हैं जेड बार। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड और जेड बार। क्लियर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें अभी डिफिनीशन में आपका लिखा हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या बताए थे, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स इज नेगेटिव साइन, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स इज गिव्स नेगेटिव साइन, सो गिवन नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर। क्लियर, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे रूट माइनस वन लिखा है, रूट का माइनस वन लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करिए, रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा, रूट स्क्वायर ऑफ रूट माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना, माइनस वन। क्लियर, तो किसी भी नंबर या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव साइन में आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर, अब इसमें आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि सर इसके बीच में आई क्या लिखा हुआ है, आई जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, तो I stand for iota। क्लियर, I को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से, एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, आयोटा की वैल्यू क्या होगी, रूट में माइनस वन, हियर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन। क्लियर, तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, फिर आई स्टैंड फॉर आयोटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा इक्वल टू होगा रूट माइनस वन। आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आपको मॉडुलस फाइंड करना, मॉडुलस मींस मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मान लीजिए यहां पे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा पाए, एनीवे कुछ भी ले सकते हैं, हियर z इक्वल टू क्या है, a प्लस आयोटा b। अब अपने को निकालना क्या है, मॉडुलस,
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर, रियल एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। क्लियर, मॉड ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉड ऑफ जेड, इट इज ऑल्सो रिटन बाय आर, मॉड ऑफ जेड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर इक्वल टू। अभी क्या बताया आपको फार्मूला, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉड फाइंड करना है तो रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। हियर रियल पार्ट क्या है आपका एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, कौन बताएगा? यस आयुष बताइए। हियर व्हाट इज रियल पार्ट ए, वेरी गुड। इसमें क्या बताए हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सो आर इक्वल टू हो जाएगा या मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द मॉड ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट एंड होल रूट कर देना है। मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं, इफ जेड इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, क्या गिवन है, जेड इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। हियर हियर रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थ्री, रियल पार्ट ऑफ जेड का मीन्स क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्लियर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, यहां पे क्या दिया हुआ है रियल पार्ट माइनस थ्री, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज फोर। इतना क्लियर हो गया सबको? चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन है माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा, हियर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू माइनस थ्री एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज फोर। सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, दैट इज रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। क्या लिखा है आपका फार्मूला, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, रियल पार्ट इज माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या दिया है आपका फोर। इसमें जरूर ध्यान रखना है कि फोर आयोटा नहीं लिखना है, फोर आयोटा नहीं लिखना है, यहां पे इमेजिनरी पार्ट को लेना, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा, थ्री थ्री या नाइन, एंड माइनस का स्क्वायर भी हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस प्लस, स्क्वायर ऑफ फोर, फोर फोर या सिक्सटीन, सो रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्या होगा फाइव। मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव। अब इसमें मॉडुलस के पहले आप लोगों को एक और टर्म बताए थे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बताए थे, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी क्या बताए थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू, अब यहां पे रियल पार्ट क्या है आपका माइनस थ्री,
प्लस फोर आयोटा, यहां पे क्या लिखा, इमेजिनरी पार्ट है प्लस फोर, रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, रिवर्स साइन क्या होगा, पॉजिटिव का रिवर्स निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का फोर आयोटा। क्लियर, कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जो होगा वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। कैसे होगा, चलिए उसको भी देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा। क्लियर, कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है, माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है, दैट मींस कॉन्जुगेट ऑफ जेड का होल कॉन्जुगेट। अब देखिए ये जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिखा हुआ है इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा। क्लियर, अब इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट फाइंड करना है क्या चेंजिंग आएगी, रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, बाकी कुछ आपको करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री और ये माइनस का जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये आ जाएगा फोर आयोटा। क्लियर, तो वही हो गया जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था। तो हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्लियर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेड, एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉड फाइंड करते हैं तो क्या होगा, मॉड ऑफ जेड और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। क्लियर, इतनी चीजें आप लोगों को लगभग क्लियर हो गई होगी, आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 टू 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। उसको किस फॉर्म पे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्लियर, उसके पहले आप लोगों को एक टर्म अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्या रखना है, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। दिस इज द मेन थिंग्स फॉर सॉल्विंग एक्सरसाइज 5.1। क्लियर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, सो आयोटा गिव्स रूट माइनस वन। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दो चीजें, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन एंड आयोटा इक्वल टू रूट माइनस वन। अब मान लीजिए यदि यहां पे आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर जीरो, क्या होगी इसकी वैल्यू, यस जीरो, नो अनदर वन, वेरी गुड, आयोटा की पावर जीरो क्या होगा, वन। इसके पहले भी आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी नंबर्स या किसी भी वेरिएबल की पावर यदि जीरो है उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। अब मान लीजिए कि क्या यहां पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, दिस इज सफिशियंट, नो। यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर फाइव, क्या पूछते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर फाइव, इसके लिए
आपको आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 39 एक्सेट्रा कुछ भी दिया होगा, उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। जो भी पावर में होगा, जो भी वैल्यू पावर में होगी, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? गिवन वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4 एंड गिव्स रिमाइंडर 1। रिमाइंडर क्या आ गया, 5 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आया, 2 एंड गिव्स रिमाइंडर 1। बस इतने में तो अपना काम हो गया। आयोटा की पावर 5 को इसी स्ट्रक्चर में आप लोग पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। यहां पे आयोटा स्क्वायर तो रहेगा ही, और जो भी वैल्यू आपकी क्वाइसेंट में आई होगी, जो भी वैल्यू क्वाइसेंट में आई होगी उसकी पावर कर देना, क्लियर। और जो भी रिमाइंडर में बचा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर रिमाइंडर क्या है, 1, मींस मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, क्लियर। अब इसमें यदि आप लोग डिवाइड करेंगे तो दो ही चीजें मिलेंगी, या तो रिमाइंडर में 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, आइदर 0 और 1, इसके अलावा आपको मिलेगा ही नहीं, क्लियर। तो यदि मान लीजिए यहां पे 0 मिलता है तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, ये पार्ट नहीं होगा। यदि यहां पे रिमाइंडर 1 है तो उसको मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर क्या कर देंगे, 1, क्लियर। अब इसके बाद देखिए आयोटा स्क्वायर क्या लिखा है, यहां पे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये पहले से ही आपको बता चुके हैं, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। यहां पे पुट कर दीजिए -1 का स्क्वायर, ये केवल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ना कि होल वैल्यू, क्लियर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और होल स्क्वायर करेंगे इनटू आयोटा की पावर 1, मींस आयोटा भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए यहां पे क्या लिखा है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्लियर। और माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मींस आयोटा आ जाएगा, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा, क्लियर। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू कितना आ गया, आयोटा। अब देखिए यहां पे रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ तो रिप्रेजेंट करना होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 0 प्लस आयोटा, कैसे लिखेंगे, जेड इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, हियर 0 इज द रियल पार्ट एंड 1 आयोटा इंटू 1 भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 1 या कि 1 आयोटा। तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका 1 और रियल पार्ट हो जाएगा 0। अब इसको हम दूसरे फॉर्म पे क्या बोल सकते हैं, हियर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, क्या बोलेंगे, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी होगा। अब मान लीजिए यहां पे केवल और केवल रियल पार्ट आए, इमेजिनरी पार्ट 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यदि यहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और रियल पार्ट की कुछ वैल्यू होगी तो उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर, क्लियर। इतनी चीजें आ गई समझ में आप लोगों को, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ये हमारी गारंटी है, क्लियर। अब देखिए इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया इसमें, 5 आयोटा मल्टीप्लाई
-3/5 iota. -3/5 iota. Here, अब यहाँ ये टोटल इतना ही अपने को दिया है, लेकिन ये चीजें अपने को पहले से ही लिख लेना है. Here, let z equal to 5 iota into -3/5 iota. ये अपने को दिया हुआ है. अब इसको सॉल्व करके किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z equal to a plus iota b और x plus iota y, कुछ भी आप लिख सकते हैं. क्लियर? इसको सॉल्व और कैसे करेंगे? z equal to हो जाएगा 5 iota का मल्टीप्लाई करना है -3/5 iota. क्लियर? तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट का साइन है तो 5 से 5 तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर? 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. तो यहाँ पे ये 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा? आयोटा इंटू -3 iota. आयोटा इंटू -3 iota. सो z इक्वल टू हो जाएगा -3 iota का मल्टीप्लाई आयोटा से, कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर. -3 iota square. अब यहां पे लिख देना, सिंस वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. हियर वी नो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. सो जेड इक्वल टू हो जाएगा -3 into -1. आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे? -1. ये वैल्यू आ जाएगी -3. जेड इक्वल टू कितना आ गया? 3. और इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, इसको लिख देंगे 0 iota. कितना लिख देंगे? 0 iota. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, z इक्वल टू 3 + 0 iota. क्लियर? अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं था तो क्या लिख लिए थे? 0. बट रियल पार्ट कितना है? 3. इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आई है वो क्या है? प्योरली रियल नंबर. क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों के? ऑल द स्टूडेंट्स और अंडरस्टूड?